यस रेडी रेडी, अब रेडी, अब फाइनल है ये। अब कुछ भी हो, रीच कम हो ना हो, अब कंटिन्यू ही करना है इस पे ही, अब कोई दिक्कत नहीं। हेलो अनिरुद्ध त्रिपाठी भाई, हेलो वेलकम, कैसे हो? आई होप इस बार ये सही हो। फिलहाल अब तो नहीं आना चाहिए कुछ भी गड़बड़। खींच भाई खींच। 40, हम लोग का 42 था भाई, कल 42 था हम लोग का। 40 में तुम बोल रहे, कल 42 था, 42, 42, सोच भी सकते हो क्या हालत हो रहा होगा। हेलो अभिरूप FF2210, वेलकम टू द स्ट्रीम। अब ठीक हुआ ना ऋषभ? मैंने बोला था ना कुछ गलती किया था मैं तब, इसीलिए रीच एकदम गड़बड़ रीच हो गया था। वही ना, अपना यूजुअल ऐसे ही रहता है। वो सुबह से जो मैंने अनलिस्टेड वाला जो एकदम नाटक एक कर दिया था ना सुबह से, वो नाटक की वजह से पूरा बेकार हो गया था भाई। गेम एंड्रॉयड वर्जन के लिए है? नहीं भाई, एंड्रॉयड के लिए नहीं है, पीसी और लैपटॉप के लिए है ब्रो। एक्सट्रीमली सॉरी, आपके पास पीसी या लैपटॉप है ना तो इजीली प्ले कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। थोड़ा एफओवी को पीछे रखते हैं क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है कि एक्चुअल स्पीड ऐसा दिखाना चाहिए वैसे दिखा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं। ये एकदम सही है ना, वॉइस एंड ऑल एकदम परफेक्ट है ना ऋषभ? कंफर्म करना वॉइस एंड गेम का होगा विंडोज 10 के लिए है? हाँ बिल्कुल, विंडोज 10 में बिल्कुल रन करेगा। सब सही है ना? ओके, विंडोज 10 में एकदम जबरदस्त चलेगा वो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। कहीं से लोकल टीम का साउंड का जुगाड़ करना पड़ेगा। अरे अपने ARS भाई ला रहे हैं, जुगाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, आर्यन भाई ला रहे हैं भाई। बहुत जल्दी आर्यन भाई का साउंड आएगा, आने ही वाला है मतलब। इधर उधर से जुगाड़ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। PCR में जो मेमो कार्ड है ना उसको थोड़ा डिले कर दो, 1 महीने तक का डिले कर दो, 1 महीने के अंदर आ जाएगा। वो तो अभी नहीं खेलना भाई, पता नहीं मेरे को ना ऋषभ क्या ऑब्सेशन हो गया है। मतलब देखो, डायनामिक शेडोज ऑन करके खेलने में ना मज़ा आ रहा है, एकदम रूट तगड़ा दिख रहा है डायनामिक शेडोज अगर मैं ऑन करके खेल रहा हूँ तो। भाई ये गेम मैं कैसे डाउनलोड करूँगा विंडोज 10 पे, थोड़ा सा बता दे तो अच्छा होता। बिल्कुल बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे। अपने मॉडरेटर भाई है ना ऋषभ भाई, ऋषभ भाई ज़रा हेल्प कर देना, डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन करवा लो इनको, और लिंक भी दे देना एक बार डाउनलोड कैसे करना है। डायनामिक शैडो FPS पे बहुत भाई, डायनामिक शैडोज FPS पे बहुत इफेक्ट करता है। देख रहे हो अभी FPS, देखो मेरा
73 आ रहा है, लेकिन अभी अगर मैं डायनामिक सेटअप ऑफ कर दूंगा तो FPS मेरा तुरंत 120 हो जाएगा एक झटके में। डायनामिक सेटअप पर ऑन करने पे देखो एक्सट्रीम का क्वालिटी अच्छा दिख रहा है ना, एक हल्का सा क्वालिटी में डिफरेंस आता ही है डायनामिक शेडोज को लेके। देखो ये हट सब देखो, घर जो है और स्टेशन बिल्डिंग जो है थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा डिफरेंस जैसे भी आता है, मतलब एक बेटर दिखता है टू बी ऑनेस्ट। पर अगर तुम्हारे पास अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है ना तभी ऑन करना चाहिए डायनामिक शेडोज, तब एकदम बेहतर दिखता है। हाँ डिफरेंस तो आता है भाई, एग्जैक्टली डिफरेंस तो आता है भाई। मैं तुमको व्हाट्सएप पे एक चीज़ भेजूंगा ठीक है ना ऋषभ भाई, देखना बस तुम उनको उसको अभी भेज दो क्या पहले? रुको भेज देता हूँ तुम्हें, स्ट्रीम पे बात करना फिर आके, एक सेकंड रुको अभी भेजता हूँ तुम्हें भाई। ग्रेडियंट है लमाओ, अभी देख रहा हूँ मैं ग्रेडियंट है। ठीक है ना तुमको भेज दिया मैंने व्हाट्सएप पे, देखना भाई। मेरा भी रन कर जाता है ECR में, बस पटना में FPS डाउन हो जाता है। हाँ पटना में डाउन होगा मेरे को इसने भी बोला है, ARG ने भी बोला था, क्योंकि पटना पे बहुत बढ़िया काम किया है। पटना पे अपने ECR के ओनर भाई लोग ने ना बहुत बढ़िया काम किया है, मेरे को बोला ARG ने बोला है मेरे को। भेज दिया भेज दिया भेज दिया है। कोई दिक्कत नहीं, FPS थोड़ा सा अप डाउन होगा तो एडजस्ट कर लेंगे, अच्छा ग्राफिक्स चाहिए तो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। एडोक्सी भाई का है भाई, एडोक्सी भाई का है, मेरा नहीं है, तुम्हें अच्छे से बताओ, मेरा होगा भी नहीं। अरे भाई ना इधर अगर मीम्स भेजने का भाई ऑप्शन होता ना, स्टिकर भेजने का भाई, मेरे दिमाग में भी तगड़े तगड़े थे। एग्जैक्टली भाई ये पिक सब संभाल के रखो, मैं तो इसीलिए इंतजार में बैठा हूँ, उनको आने दो फिर अच्छे से ताने मारेंगे बैठ के, जब तक उधर घूमने ना घूमने दो। भाई सिनेमैटिक्स दिखाओ। ओके सिनेमैटिक्स मतलब अपना आप यही बोल रहे हो ना, रेल फैन व्यू एक तरफ से, बिल्कुल देखो भाई। आपको कहाँ से मिला? अरे मेरे को भेजा था उन्होंने ही, मेरे को वरना कहाँ से मिलेगा। उन्होंने ही मेरे को भेजा था ये। देखो साहस, देखो साहस की बात क्या है, उनका ये सब कॉमन है भाई, अपने लिए बहुत बड़ी बात है। भाई डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लिया? ओके ब्रो ज्वाइन कर लिया ना, आप अभी वीडियो देख लो कैसे क्या डाउनलोड करना है, कुछ दिक्कत आए तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं डिस्कॉर्ड पे टाइम निकाल के बात कर लूँगा क्या कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ओटी हो रहा है, ओटी अपना, ओटी हो रहा है अपना, नहीं हम ओटी कर रहे हैं।
अच्छा एक रेक ही खड़ा है सिर्फ। नाइस, ओटी तो ओटी है, रेक को करो या किसी को भी करो। यप ओटी तो ओटी है, रेक को करो या किसी को भी करो। अपने लिए नहीं, पूर्व में अपने लिए है नहीं ये सब, नहीं अपने नहीं है, नहीं वो दोस्त वोस्त सब है ना रूम में, उनके गए हैं दिल्ली में अपने दोस्त के इधर ही रह रहे हैं वो, तो मेरे को लगता है इधर सब दोस्त लोग नहीं लगा होगा, मुझे लगता था वो निकल, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एकदम गलत ख्याल में थे, ठीक है ना। खुर्दा रोड जंक्शन पहुंचना है 11:10 को, 11:10 और अभी हो रहा है 10:54, तो अपने को 15 किलोमीटर जाना है और ऑलमोस्ट 15 मिनट का ही टाइम है, सफिशियंट है भाई, आराम से पहुंच जाऊंगा। तुमको मैंने स्ट्रीम में पूरा मैसेज करके इसीलिए बुलाया ताकि तुमको मैं पूछ सकूं एक एक जगह का नाम और तुमको बताना है, क्योंकि इकोआर का स्ट्रीम तुमको मैंने लाख बार दिखा दिया है, और तब भी अगर गलती करोगे ना फिर देखना बेटे। हेलो बलराम आचार्य भाई, वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल। मेरे को फिर बैठ के वो भी करना है भाई, रेल फैनिंग का एक वीडियो एडिट भी करना है मेरे को। वेब 12 वाला किधर गया, वेब 12 वाला पता नहीं कहाँ गया वह। मैं भी एकदम बढ़िया बलराम भाई, क्या चल रहा है बताओ, नाश्ता पानी कर लिया शाम का या नहीं किया अभी तक। मम्मी ने कहा बाजार चलने, ठीक है बड़े आदमी ठीक है चले जाओ भाई, स्टीम छोड़ के बाजार ही घूमाओ। नहीं क्या कर लो भाई, पकोड़े खा लो, नहीं पकोड़े मत खाओ बहुत गर्मी है, कुछ और पी लो, कोल्ड कॉफी पी लो। वेब 12 वाला घूम रहा होगा कहीं, आ जाएगा वो, अभी प्रोडक्शन हाउस में बैठा होगा, कितना काम चल रहा है चेक कर रहा होगा वेब 12 वाला, अभी नहीं 10-15 मिनट में जाऊंगा। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जा रहा हूँ मस्त एक्ट खेलूंगा खानदेश में, साउंड कौन करेगा, यही 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 देख 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 देख, ये जो मीम है ना वो अरविंद मेरे साथी का, वो भाई आर्यन भाई तुम्हारे लिए है वो, कैसे काम से भागे जा रहा है भाई, उसका बहुत नाटक था वेब 12। अरे अच्छा बंदा है, मजाकिया बंदा है भाई, अच्छा बंदा है वो, इसमें एक मंथ हो गया बैठे हुए। ओ आप ओडिशा से हो क्या भाई, मोस्ट प्रोबेबली ओडिशा या इसमें से ही हो गए, वेस्ट बंगाल से ही। अच्छी गाड़ी है, थोड़ी थोड़ी साफ सुथरी नहीं रहती है, बाकी सही है गाड़ी में। ओके तभी थोड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए वरना गाड़ी सही है एकदम। उसका सुबह में बातें सुन रहा था, अरे तुम कल का स्ट्रीम ज्वाइन किए होते ना, कल का स्ट्रीम ज्वाइन किए होते ये लोग भी थे, अपने अपने आर्यन भाई लोग भी सब थे कल। काम से भाग रहा हूँ तभी तो इतना लेट हो रहा है साउंड में, नहीं तो अभी B7 B8 चल रहा होता है। मतलब खुद कन्फेस भी कर रहे हो आर्यन भाई, ठीक है ठीक है। वेब 7 माय फेवरेट, यस ब्रो, लो आपके लिए सिनेमैटिक व्यू दिखा देता हूँ, रेल फैन व्यू, सॉरी नॉट सिनेमैटिक, रेल फैन व्यू भाई, काम से मत भागो आर्यन भाई। इसमें अब एक थर्ड एसी इकोनॉमी भी लगता है, पहले नहीं लगता था धौली एक्सप्रेस में, अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने ही हुए हैं थर्ड एसी इकोनॉमी का कोच भी ऐड किया गया है। दूर से करो रेल फैन, दूर से करो, ओके दूर से मतलब बहुत दूर चले जाओ क्या एकदम, एकदम इधर से करना है क्या बैठ के, नहीं और थोड़ा दूर, यहीं से करते हैं ठीक है ना, लेवल क्रॉसिंग से करते हैं।
आईसीएफ लाओ आर्यन भाई, आईसीएफ तो इनका है ना अभी ये वाला। भाई आईसीएफ का डिमांड ही बाकी था सिर्फ, ठीक है ना आर्यन भाई, सिर्फ आईसीएफ का डिमांड ही बाकी था, वो भी हो गया, वो भी ऋषभ ने कंप्लीट कर दिया वो डिमांड भी। और क्या डिमांड चाहिए बताओ, सब बताओ, जो चाहिए आर्यन भाई को सब बताओ भाई। क्या है आर्यन भाई आप कहाँ से हो? आर्यन भाई अपने यूपी से हैं, बनारस के रहने वाले हैं, खाई के पान बनारस वाला। भाई आप कहाँ से हो? मैं तो भाई कटक भुवनेश्वर, दो घर है कटक में भी भुवनेश्वर में भी। ओडिशा से हूँ मैं, स्टेट मेरा ओडिशा। बोलोगे तो बुलेट ट्रेन का भी साउंड आएगा। चाइना जा रहे हो क्या आर्यन भाई रिकॉर्ड करने? चाइना या जापान का प्लान हो रहा है क्या रिकॉर्ड करने के लिए? दया नदी, दया रिवर। अच्छा यस यस, V3 में 100 में क्या ही साउंड आता है एकदम जबरदस्त। आईसीएफ वाले में तो तुमको आईसीएफ का और V4 क्यों चाहिए, जब V3 में खुद एडमिट कर रहे हो कि इतना बढ़िया साउंड आता है, फिर भी तुमको V4 चाहिए ना? ठीक है भाई। कोरोमंडल एक्सप्रेस कब चलो? कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्टिविटी शायद आई गेस अपडेट होगा थोड़ा, तो उसको थोड़ा अपडेट हो जाए, ट्रैफिक अपडेट होगा मेरे हिसाब से, उसके बाद उसको भी मैं स्ट्रीम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। राज्य हम के बनारस घुमाई दो, बनारसिया हो के बनारस घूमने की बातें हमसे की जा रही है, का हो? कोई दिक्कत नहीं बलराम भाई, स्लो में थोड़ा अपग्रेड होने से हो जाएगा, कर देंगे अपग्रेड। आर्यन भाई तो बैठे ही है ना, आर्यन भाई एकदम मेहनती आदमी है, ठीक है ना? आर्यन भाई लव्स मेहनत, उनको खाना पीना ये सब छोड़ दो बोलने दो, वो सब छोड़ देंगे, लेकिन मेहनत जारी रहेगा, है ना आर्यन भाई? खाने पीने का क्या है? बांगरी बोसी पूरी इंटरसिटी एक्सप्रेस 12891, पहले डीजल के साथ चलती थी, अच्छा हुआ थोड़ा पुराना वाइब्स देख के मजा आ गया, अब तो इसको V7 मिलता है। भाई जब मेरा प्रॉब्लम होगा कुछ तो मैं कौन सा, भाई अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होगा तो MSTS सपोर्ट का एक सेक्शन होगा, वहां पे आप मैसेज डाल देना, कोई मेहनत नहीं, आप नेक्स्ट साउंड 2 मंथ बाद आएगा। ओके अन्ना, व्हाट इज दिस अन्ना, योर साउंड डिमांड्स आर टू मच अन्ना, स्टिल यू आर नॉट ब्रिंगिंग साउंड टाइम टू टाइम, दिस इज नॉट फेयर अन्ना। ये तो भाई परंपरा है, खोरदा रोड कभी भी टाइम से घुसने नहीं देंगे ये लोग, हमेशा आउटर पे रोकेंगे। भाई एक बार दोनों हॉन्क मारो लंबा, चलो ठीक है। अभी सामने लाल है ना, लाल को जब आपको अपने को सिग्नल मिल जाएगा तब मारता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरी फेवरेट ट्रेन हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, भाई 90% लोगों की फेवरेट ट्रेन हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस है। क्या है उस राजधानी में भाई, बरिस्टी में 90% लोग आते हैं भाई, कौन सी फेवरेट गाड़ी है तेरी? भाई मेरी फेवरेट गाड़ी हावड़ा राजधानी। ठीक है भाई ठीक है, हावड़ा राजधानी मतलब कुछ तो है भाई, इतने लोगों की फेवरेट है वो। हरिपुर ग्राम PH, पहले PH था अब जंक्शन हो चुका है। AC का मजा है भाई, AC तो अपने तेजस राजधानी में भी मिल जाएगा, भुवनेश्वर वाले में। LHB V4 उसमें ही रिकॉर्ड किया है, अच्छा हावड़ा राजधानी में रिकॉर्ड किया है क्या LHB V4? कहां से कहां तक गए थे भाई हावड़ा राजधानी में? ब्लैक डॉग, ब्लैक डॉग BLACKDOG, BLACKDOG।
गंदा FPS ड्रॉप होगा मेरा, मेरे को बहुत ही गंदा वाला फील आ रहा है। खड़ा खुर्दा रोड जंक्शन पे पेल के ट्रैफिक दिया है। अभी जो स्क्रीचिंग साउंड होगा ना जब मैं ब्रेक लगाऊंगा, मजा है भाई सुनने में। हॉट डॉग गरम कुत्ता, नाइस। तो ब्लैक डॉग काला कुत्ता, DDU से NDLS, दीन दयाल उपाध्याय। भाई DDU का स्टेशन ना लाजवाब है, 3 बार शायद जा चुका हूँ, इस बार को फिर से मिला के। अरे फाइव किलोमीटर पर आवर की जब स्पीड आ जाएगी ना तब स्क्रीचिंग का साउंड होगा। देखा नाम सुना था मैंने पहले ही, महंगा होता है। क्या महंगा होता है? अच्छा हाँ, ब्लैक डॉग तो महंगा ही होता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बलराम भाई, गुड इवनिंग। GDODEVENINGBHAI, गुड इवनिंग भाई। चलो भाई थोड़ा सा आगे घूम के आता हूँ, मेरी बहुत गंदी आदत है वैसे भी आगे घूमने की। अरे साले सामने वाले ट्रेन को भी एंट्री नहीं मिला है, कि ये सारे ट्रैफिक रोक के क्यों खड़े हैं? क्या हो गया भाई, खुर्दा में किसी घुसने नहीं दे रहे हैं क्या? अरे चला यार भाई, मेरा नाम है अविनाश, ABINASH। पर मेरे को डाउट है कि सामने सब रुके क्यों हैं। और अब आपने ज्वाइन कर लिया है ना मेरे को, तो एक मेरे बारे में मैं बहुत गंदी आदत मेरी बताता हूँ। मेरे 90% एक्टिविटीज पता नहीं कैसे हमेशा एरर में ही चले जाते हैं। ये बहुत ही गंदी आदत है मेरी, ऋषभ भाई इसके गवाह है। राइस एक ट्रैक कौन सा है? नहीं जगह है, नहीं जगह है मतलब एरर स्ट्रीमर। सही में भाई एरर स्ट्रीमर हूं मैं, ऋषभ भाई को एकदम साफ साफ पता है। नाइन कित पता नहीं कैसे भाई मैं एरर कर देता हूँ इतने। राइट साइड ट्रैक कौन सा है? राइट साइड वाला ट्रैक अपना खोरदा रोड जंक्शन के लिए है, और लेफ्ट साइड पे जो ट्रैक है वो वाला अपना दसपल्ला, नयागढ़, विशाखापट्टनम, बरमपुर, गुणपुर, वो सब के लिए निकल जाता है। कले ट्रेन क्यों पड़ा है समझ में नहीं आया ब्रो। बलराम भाई वापस से लिखना एक बार ये वाला चैट जो लास्ट पे लिखे हो। चल लो बे, पक्का कुछ आ रहा है जिसकी वजह से अभी क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। जिसको आना है तुरंत आए, जिसको जाना है तुरंत जाए, नाटक ना करे। अरे हाँ भाई ठीक है, इधर से देखो एक गाड़ी जा रही है कुछ, तो शायद इसी की वजह से क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। खैर इसको जाने देते हैं, इसको स्टेशन पे पकड़ते हैं। कौन सी गाड़ी है ये? यूज 1.4 MG वर्जन, कोई एरर नहीं आएगा। अरे वो एरर नहीं आता है मेरा, छे वो एरर नहीं आता है मेरा भाई, वो ओपन रेल्स की वजह से। एरर इन द सेंस कहीं पे सिग्नल मैं स्किप कर देता हूँ, कहीं पे जबरदस्ती का कोई स्पीड लिमिट दिया होगा उसको फॉलो मैं नहीं करता हूँ, अपनी मर्जी से उड़ा के भागे जाता हूँ, वही एरर मैं करता हूँ। ओपन रेल्स का एरर मेरा सिर्फ एक ही बार आया था आज तक, वो अभिषेक सेनगुप्ता भाई के एक्ट में ही आया था, वो तुरंत उन्होंने फिक्स कर दिया। बाकी भाई मैं थोड़ा हूं गांडू आदमी तो मैं हूं भाई, नूब लोको पायलट एक्चुअली में एग्री। आगे ट्रेन क्यों पड़ा है? आगे ट्रेन इसलिए पड़ा है क्योंकि अपने को खुर्दा रोड पे घुसने का सिग्नल अभी तक दिया नहीं गया है। बाकी मैं थोड़ा सा नू, बाकी मैं बहुत ज्यादा ही नू भाई। गाली नहीं भाई, गांडू तो इमोशन है भाई, गाली थोड़ी है वो, अपने इधर तो वो लोकल लैंग्वेज है, खुशी में बोलता है हम लोग ये। आप आओ यूपी, आओ यूपी बिहार, आओ
आपको तो लंडचट आदमी ऐसे बोलेंगे, उनका एक फेमस है लंडचट। कोरमंडल को रॉन्ग ट्रैक गुजारने वाला यही तो देख लो गाइस। ठीक है भाई, हैंड्स ऑफ। आर्यन भाई ये क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, मैं एडमिट नहीं कर रहा हूं। मैं तब सो रहा था घर में शांति से। नहीं, मैं सो भी नहीं रहा था, मैं तब रेस्टोरेंट में था। यस एक्चुअली आई वॉज इन रेस्टोरेंट। जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, जय जगन्नाथ। अभी पीछे से हम छोड़ के आ चुके हैं। फिलहाल 08415 जड़ेश्वर पुरी मेमू अपने को क्रॉस करती हुई। 08415 जड़ेश्वर पुरी मेमू। मेरा नाम अविनाश है और आपका रिक्वेस्ट मैंने सुना है। डबल हॉन्क, दोनों हॉकिंग मैं करूंगा बिल्कुल, आप टेंशन मत लो। जब भी मेरे को सिग्नल जैसे ही मिलने वाला होगा। रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट घर में घर वालों के साथ गया था भाई। दीदी पार्टी दे रही थी तभी गया था मैं। तुमको भाई सिर्फ डेट ही सूझता है क्या? चलो मैं बाजार से आया। चलो ठीक है, बाजार से आओ फिर, जल्दी आना भाई, वरना ईयरबड्स पहन के जाओ, बाजार में भी स्ट्रीम देखो मेरा, ठीक है ना। इसमें मैं बहुत बार ट्रेवल किया हूँ। जलेश्वरपुरी मेमू है भाई, जलेश्वरपुरी मेमू एक ऐसी गाड़ी है ना, कभी भी खाली नहीं चलती है, कभी भी खाली नहीं। इतना रश उस पे रहता है जलेश्वरपुरी मेमू में। कल बैंकर्स के बिना पहला जा रहा था सिंगल बाप 7 के साथ। किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा आर्यन भाई ना, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा भाई। वो स्ट्रीम में इतना मजा आया है ना मेरे को, इतना मजा आया है। मैं बस उस स्ट्रीम में से प्रे कर करके ही चल रहा था कि मेरे को बस रोक ना दिस एक बार, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो भाई मेरे को भी पता था मैं और वापस खींच नहीं पाऊंगा, वही मेरा दी एंड हो जाएगा। कहाँ रहते हो भाई? मैं भुवनेश्वर पे रहता हूँ, भुवनेश्वर जो अपना कैपिटल है उड़ीसा का। इस ट्रेन में ट्रेवल किया है जलेश्वरपुरी में। यप यप, कोच बाहर खड़े रहते भाई, कोच से लटक रहे होते हैं। एकदम मुंबई लोकल वाली वाइब्स अगर चाहिए ना तो उस ट्रेन में ट्रेवल कर लो, जलेश्वरपुरी मेमू में आपको एकदम एग्जैक्टली वही फीलिंग मिल जाएगा भाई। ये अभी तक नहीं निकली, क्या सीन है? भाई एक और गाड़ी उधर से क्रॉस करती हुई। SMBT बेंगलुरु हावड़ा दुरंतो। भाई पागल, तो मैं भी उसको देख के पागल हो जाता हूँ, इतनी मतलब फिलअप रहती है वो गाड़ी, उसको देख के ही हालत खराब रहता है। चलो ठीक है, अब इतने दूर आ ही गए ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लाइन है ये आ रही है अपनी दसपल्ला नयागढ़, आपको तो पता ही होगा खोर्धा टाउन, ये लाइन उधर से आ रही है। ये देखो ये वाली जो अभी आ रही है उस साइड से आ रही है, जो नया वाला अपना बलांगीर वाला लाइन है ना, याद है आपको? बलांगीर की और खोर्धा रोड जंक्शन जो ज्वाइंट होने वाले हैं, एक लाइन आपने सुना होगा न्यूज में, ये वही लाइन है। भाई इतने ट्रेन्स का अराइवल है तो ऑब्वियस सी बात है अपने को घुसने तो देंगे नहीं ये लोग, जब तक ये सारे महाराज गाड़ी अपने जगह पे ना टिक जाए। ये ट्रेन बहुत लेट रहता है, नहीं यूजुअली लेट नहीं रहता है, मैंने इसको कभी भी लेट में कैप्चर नहीं किया है, 90% टाइम मैंने इसको ऑन टाइम ही कैप्चर किया है। कभी कभी शायद आपका किस्मत खराब होगा वो अलग बात है, लेकिन मैंने 90% टाइम सही में ऑन टाइम ही कैप्चर किया इसको। स्टेशन पे जाके देखो, रुको धीरे धीरे देखेंगे, एक ही झटके में अगर सब देख के आ जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, धीरे धीरे देखेंगे। एक बार डिस्पैचर से देख आता हूँ क्या सीन है, क्यों सिग्नल नहीं मिल रहा है।
मेरे को F2 प्रेस कर देना चाहिए था, मैंने किया नहीं, जो कि छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत हो रहा है भाई? पूरी बीकानेर रीशेड्यूल? हाँ पूरी बीकानेर रीशेड्यूल है ब्रो। मैं कॉलेज में हूँ ब्रो, अभी फिलहाल हम कॉलेज में हैं अभी। सेव कर लेता हूँ भाई पहले यहीं पे ही। चलो भाई क्या दिक्कत हो गया, रुक क्यों गए भाई? बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। रीसेट करो, पता नहीं क्या दिक्कत है, रुको थोड़ा देखते हैं क्या सीन चल रहा है। हाँ अभी उसका भी दिक्कत खत्म कर दिया साइट बना के, सारे झंझट को धीरे 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 खत्म करते हुए तुम। भाई क्या हो गया भाई? वो वीडियो आपने देखा नहीं? देखा क्या? उसी में तो लिंक था। सब तो खाली है भाई, फिर भी सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा है? भाई और एक भेजो प्लीज, रुको भाई थोड़ा सा, मैं बस ये क्या दिक्कत आ रहा है एक बार मैं थोड़ा देख लेता हूँ फिर आपको भेजता हूँ। रुको, ये दिक्कत आ क्यों रहा है और किस चीज़ का दिक्कत है एक्चुअली में? क्योंकि मेरे को जितना पता है दिक्कत कुछ भी इधर आना नहीं चाहिए। देखते हैं वो फ्राइट क्रॉस करने तक का क्या सीन है। यस ट्रेन लेट हो गया उसका इशू नहीं है भाई, अपन हम क्यों नहीं डिपार्ट कर रहे अभी उसका दिक्कत है।
करता हूँ करता हूँ, कुछ तो करता हूँ फिक्स, टेंशन मत लो, मैं करता हूँ उसको ठीक, थोड़ा मेरे को टाइम दो, मैं करता हूँ। कुछ दिक्कत आना तो नहीं चाहिए फिर, ये क्या दिक्कत है, वही अभी मेरे को मैं सोच रहा हूँ। अपना ये तो नहीं है, देखो सब कुछ एकदम ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। ऋषभ भाई थोड़े गायब है, ऋषभ भाई थोड़े से अभी बाजार गए हैं। मैन्युअली भी प्रोसीड कर रहा हूँ फिर भी ये नहीं जा रही है आगे। हाँ नहीं, बाजार गए हैं भाई, ढेर पे नहीं गए। कोई ना, मैं इसको फिक्स करके देखता हूँ गाइस, थोड़ा मेरे को टाइम दो, मैं इसको फिक्स करता हूँ, क्या क्या दिक्कत आ रहा है, मैं थोड़ा देखता हूँ इसको।